तुम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, तुम लोग खाला बनने वाली। आंटी आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा बताएं तो अबीहा कहाँ है, उसे तो बुलाएं। अबीहा जेबा के साथ दिल की बातें कर रही है, कर लेने दो आ जाएगी। श्रब, तो कहता हूँ एक बार फिर सोच लो, पूछ लो अम्मार से। फिर पूछने का या इनकार करने का टाइम निकल चुका है। आज हमने शादी की डेट फिक्स करनी थी, अगर हमने एंड टाइम पे उन लोगों को मना कर दिया तो सोचें उनके दिल पे क्या गुजरेगी। मॉम मॉम कह रही हैं, तो जाओ तुम चेंज कर लो चेंज। अभी तो आप कह रहे थे कि अच्छे लग रहे हो। रियली जैन, तुम्हें अच्छी लग रही है ये? मॉम वो मैं तो निशाल मॉम कह रही हैं कि वो रेडी हैं, तो मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। कह रही हैं चलें। जी निशाल, अच्छी लग रही हो। सच पूछिए तो अब तो मुझे बस इंतजार रहेगा उस दिन का, किस दिन मैं नाया आपको अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाऊंगी। मगर हमने ये फैसला किया है क्योंकि नायाब हमारी सबसे छोटी पोती है, फिलहाल हमारा उसका रिश्ता करने का कोई इरादा नहीं। अम्मा जी ये क्या कह रही हैं आप? हमारी तरफ से आप इस रिश्ते से इनकार ही समझिए। दादी ये क्या कह रही हैं आप? बेटे आप अपने कमरे में जाइए। दादी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आया बेटा, अम्मा ने कहा ना आप अंदर जाएं। आप अंदर जाएं, जाएं। अम्मा जी गलती हो गई है हमसे क्या? कोई बात बुरी लगी है आपको? देखिए मैं आपसे माफी चाहती हूं, लेकिन इस रिश्ते से इनकार मत कीजिए। आप बड़ी हैं हम सबकी, आप मेरी गलती पर आप डांट सकती हैं, जूते मार सकती हैं,
लेकिन इस रिश्ते से इनकार मत कीजिए। इनकार सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ पे। मैं नायाब को दिल से अपनी बेटी मान चुकी हूँ अम्मा जी। खुदा के लिए अम्मा जी अपना फैसला बदल दीजिए। हम तो बहुत अरमान लेके आपकी दहलीज पे आए थे। ये मेरा लाडला, इसकी खुशी के खातिर आप नायाब को हमारी झोली में डालते, बड़ी नायाब। आप मिन्नत करके हमें शर्मिंदा ना कीजिए। हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया। ये आप इसलिए कह रही हैं ना क्योंकि मैं कोई मालदार इंसान नहीं हूं। इस तरह का बड़ा घर, बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है मेरे पास। दादी आप मुझे 2 साल का टाइम दें। 2 साल के अंदर मैं इतनी मेहनत करूंगा कि ये जो भी आसाइशें आपके पास है मैं नायाब को दे दूंगा। दादा बेटा हमें पूरा भरोसा है कि तुम नायाब को खुश रखोगे। हम लोग इनकार नहीं कर रहे, बस थोड़ा सा वक्त दरकार। हाँ बेटा, नायाब ना हमारे घर की सबसे छोटी बच्ची है। उसकी शादी का जो फैसला है ना, आयजा की शादी के बाद ही करेंगे हम। तो आप ये भी तो कह सकते हैं। हाँ बेटा, तुमने सुना नहीं बड़े क्या कह रहे हैं? बड़ों के आगे सर झुकाने की बजाय बहस कर रहे हो, ये हमने तरबियत दिया तुम्हें? सॉरी अब्बू, सॉरी, मैं आप सब मुझे माफ कर दीजिए। हद ही हो गई है। जब सब कुछ फाइनल हो गया था तो दादी ने अब इनकार क्यों किया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई। मुझे नहीं पता दादी ने ऐसे क्यों किया, लेकिन रजा और उसकी फैमिली की बहुत इंसल्ट हुई अभी। क्या सोच रहे होंगे वो लोग मेरे बारे में? ऐसा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, फिर रजा को बहुत पसंद करती है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है यार। पता नहीं दादी को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। देखो नायाब, अगर दादी ने इनकार किया है तो कुछ सोच समझ के क्या होगा ना। वो बुरा लड़का नहीं है आयजा, रजा बहुत अच्छा लड़का है। और बाबा से बेहतर ये बात कौन जानता होगा। जब उसकी अम्मी अबिया की शादी में इतनी हेल्प करवा रही थी तब तो दादी को वो फैमिली बहुत अच्छी लगी थी। तनी अब क्या हो गया? अच्छा ठीक है, तुम रोना तो बंद करो, मेरी बात सुनो। मैं इशाल और अबिया दोनों से बात करूंगी, देखना वो अम्मी और बाबा दोनों को मना देंगे और वो दोनों मिलके दादी को मना लेंगे। हाँ क्या हुआ, अम्मी चले गए वो लोग? हाँ बेटा चले गए। अम्मी दादी ने ऐसा क्यों किया? बेटा उनके पास ना जिंदगी का पूरा एक्सपीरियंस है। उन्होंने जो सही सोचा वो किया। वो तुम लड़कियों से ना बहुत प्यार करती हैं। वो हरगिज नहीं चाहती कि तुम्हारी आंखों में आंसू देखें। अच्छा तो क्या वजह बताई है दादी ने? कह रही थी उनका दिल नहीं मान रहा था। अम्मी मैं खुद दादी से बात करूंगी, देखना वो मेरी बात को समझेंगी। नहीं नहीं हरगिज नहीं, तुम्हारे बाबा और मैं हरगिज ये नहीं चाहेंगे कि तुम दादी के साथ कोई बदतमीजी करो। बेटा मेरा जब बुरा लड़का नहीं है। जानती हूँ बेटा, बहुत अच्छा लड़का है। और आखिर में तुम्हारे अब्बू और मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा वक्त दे दें, हम सोच के बताते हैं। अम्मी कितना खुश था रजा आज के दिन के लिए। अचानक से बुझ सा गया था वो, सब कुछ बर्बाद हो गया। पता नहीं कैसे ठीक होगा सब कुछ। नहीं नहीं अल्लाह ना करे सब कुछ बर्बाद हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपना मूड ठीक कर लो। देखो आज तुम्हारी बहन का भी खुशी का दिन है ना, तुम्हारी वजह से उसका मुंह कितना छोटा हो गया बेटा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं वो सब कुछ करूंगी जो तुम चाहोगी, ठीक है ना? बस अब तुम टेंशन मत लो और रिलैक्स करो, अपना मूड ठीक कर लो, ठीक है? शाबाश, गुड गर्ल।
देखा, मैंने कहा था ना, अम्मी और बाबा मिलकर दादी को मना लेंगे। अब चलो जल्दी से अपना मूड ठीक कर लो और मेकअप फ्रेश कर लो। एक बात कहूं, तुम बिना मेकअप के ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सच में? अच्छा सॉरी, तुम भी नहीं अच्छी लगती। इतनी बेइज्जती हमारी, इतनी बेइज्जती। अगर वो रईस ना होते तो मैं उनको बताता। समझ में आई ना तुम्हें? बस कर दे अब्बू, ये तो अम्मी ने मुझे रोक लिया वरना उनके घर की ईंट से ईंट बिछा देता मैं। बेटा, कुछ पाने के लिए कभी कभी मसलहतन चुप रहना पड़ता है। और उसके बाप ने कौन सा इनकार किया है? थोड़ा वक्त ही तो मांगा। तो क्या करूं, हाँ? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं घर पे? अरे मैंने इंतजार करने को कब बोला है? नायाब को अपने हाथ में कर, ऐसी पट्टी पढ़ा कि दादी के सामने जाके दो टोक लफ्जों में तुम्हारे हक में फैसला दे दे कि मुझे तो बस रजा चाहिए। उस पे तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा है। अरे इतने अरसे से अपनी मोहब्बत जाहिर कर रहा हूँ उसके सामने, लेकिन उसको कोई असर ही नहीं हो रहा। रास्ते में बार बार फोन आ रहा था उसका, देखा था मैंने, मेरे कहने के बावजूद तुमने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। मुझे तड़पाया, थोड़ा सा खुद भी तड़पे। बेवकूफी कर रहे हो तुम। अगर वो अपने घर वालों को कहने भी आ गई ना तो हाथ मलते रह जाओगे। हाँ। मुझे अभी भी लगता है कि वो अपने घर वालों की बातों में नहीं आने वाली। अभी भी मुझे उसकी मोहब्बत पे भरोसा है, और ये भी जानता हूँ कि अभी किसी कोने में बैठ के रो रही होगी। पता नहीं क्या बात है, बच्चों वाली बातें। से तो मैं बहुत नाराज हूं। क्यों भाई सायरा, हमसे क्या गलती हो गई? इतने महीने हो गए इशाल की शादी को, एक दफा भी आप हमारे घर नहीं आई। और इशाल बता रही थी कि आई भी हैं कुछ दिन पहले, बाहर गाड़ी में बैठी हुई थी और बस अंदर नहीं आई, वहीं से चली गई। अरे उस रोज तो हम अबिया की तरफ जा रहे थे। सच पूछो तो ज़िया ने ड्रामा करके हमें बुलाया, गए परेशानी में लेकिन वापसी खुशी खुशी आए। मुबारक हो बेटे, रहो खुश रहो, अल्लाह ढेरों खुशियां दे। बच्ची मेरी, बच्ची हमारी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अम्मी बाबा से बात करेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ नायाब, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितना तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना, अल्लाह ताला जरूर कोई रास्ता निकाल देंगे। लेकिन दादी की रिस्पेक्ट ना, अगर अम्मी बाबा ने उन्हीं की बात सुनने पर क्या होगा? ओहो, दादी की रिस्पेक्ट तो हम सब करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करती है ना। और देख लेना, दादी तुम्हारी मोहब्बत के आगे कुछ भी नहीं बोलेगी, मान लेंगी तुम्हारी बात। प्यारी लग रही हो बहुत। थैंक यू। चलो बच्चों, दादी अम्मा कह रही है रस्म पूरी करें, चलो। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। बेटा परेशान मत हो, तुम्हारी खुशी ना हम सबको अहम है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? चलो। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं इसकी तरफ से इनकार तो नहीं? नहीं
तुम्हें नहीं छोड़ सकता नहीं आप, छोड़ूंगा भी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, चल आइए। माशाल्लाह बहुत प्यारी, मुबारक हो भाई, अल्लाह ने आप लोगों की जोड़ी सलामत रखे। दिखाओ रिंग, दिखाओ। ओ, बहुत प्यारी है। आज तो इमार साहब बहुत बेचैन रहेंगे, है ना? आने बहाने से फोन भी करते रहेंगे और मौका मिलेगा तो घर का चक्कर भी लगा लेंगे। हाँ। तुम्हें क्या हुआ है? इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीरें ले लेके थक गई हूँ ना। अच्छा, तस्वीरें लेते हुए भी कोई थकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसे बहाने बना रही है। अब इधर दो फोन, में तुम तीनों की पिक्चर बनाती हो। हाँ ये अच्छा है, छोड़ो ना तीनों की, हम चारों की सेल्फी लेते हैं। हाँ ना, आ जाओ आ जाओ। देखा कितनी अच्छी लग रही है। इशाल की तुम्हारे फेस पे इतना ब्लश ऑन क्यों आ रहा है एक साइड पे? हाँ, नहीं ठीक है, दिखाओ मुझे। ठीक है, मैं कह रही हूँ ना, दिखाओ तो ना। अभी जो थप्पड़ का निशान है, किसने मारा है तुम्हें? ये थप्पड़ का ही निशान है, उंगलियां बनी हुई है। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, किस कुछ भी नहीं हुआ है, किसी ने नहीं मारा। जैन ने मारा है ना तुम्हें? हम मुझे क्यों मारेंगे? तुम्हें अम्मी और बाबा की कसम है, सच सच बताओ मुझे। हिम्मत कैसी हो तुम पे हाथ उठाया? हाँ अभी बताती हूँ। अभी हाँ प्लीज रुक जाओ, प्लीज किसी को कुछ मत बोलना प्लीज। इशाल अगर उसने आज तुम पर हाथ उठाया ना तो कल को भी हाथ उठाएगा, समझ आई तुम्हें? ये ठीक कह रही है इशाल, अम्मी बाबा को बताना पड़ेगा, उनको भी पता होना चाहिए ना। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी अम्मी बाबा से बात करती हूँ। अभी अभी हाँ मैं बताकर आती हूँ। अभी हाँ अम्मी 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 अभी हाँ गिर गई है। क्या, कैसे? जल्दी आए, वो गिर गई है, जल्दी आए। पूछा तुमने उससे? फोन नहीं उठा रही। मैंने तुम्हें कहा था ना बेटा जी, कॉल रिसीव कर लो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कोई खुशफहमी थी।
वो पहले की तरह तुम्हारे इश्क में तड़प रही होगी। वो अपने माँ बाप की बातों में आ गई है। अब छोटा सा मुंह लेके बैठे रहो। सारी जिंदगी के लिए उसने लानत भेज दिया तुम। टांटे मत मुझे, मत भूलें ये छोटा सा मुंह ही आप लोगों को यहां तक लेकर आए। बातें सुना रही हैं तब की, अगर कुछ कर सकती हैं तो एटलीस्ट ये बताएं कि अब करना क्या है। सुनो, एक मैसेज करो उसे और उस मैसेज में लिखो कि अगर उसने कल सुबह तक तुमसे बात ना की तो तुम अपनी जान ले लोगे और इसकी जिम्मेदार होगी तू। फिर देखना तुम। मुझे नहीं लगता कि वो मैसेज भी देखेगी तुम्हारा। वो तो अल्लाह गुल्ला हो रहा होगा घर के अंदर, नाच गाने दम धड़ाका सब हो रहा होगा वहां पर। सब क्या हुआ? कैसी है मेरी बेटी? हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतर है, लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि उनका मिसकैरेज हो गया है। मिसकैरेज? डॉक्टर साहब अबिया कैसी है? हाँ, उनको रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप उनसे मिल सकते। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चों की खुशियों को। हौसला रखो सलमा, अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। तुम सिर्फ अबीहे के बारे में सोचो, यकीनन डॉक्टर ने उसे बता दिया होगा उस बेचारी के दिल पे क्या गुजर रही होगी। हेलो ईशान। हाँ बेटा। हेलो अम्मी, अम्मी अबीहा कैसी है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? आप लोग कब तक घर आएंगे? नहीं नहीं, अबीहा बिल्कुल ठीक है बेटा, वो लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया। तैमूर कितना खुश था, लगता है किसी की नजर लग गई उसे। हाँ ठीक कह रहे हो, नजर तो लगी है इन लोगों को। बेचारी मबीहा इतने बुरे से गिरी है, मुझे तो डर है कोई सीरियस इंजरी ना हो। अल्लाह खैर करे। वैसे अभी हॉस्पिटल से कोई न्यूज नहीं आई? नहीं अभी तक तो नहीं आई, अगर कोई कॉल आई होती तो विशाल तो मुझे बताती। सब अल्लाह खैर करे। आमीन। कितना सन्नाटा हो गया है घर में, इतना रौनक वाला घर था, खुशियां थी हर तरफ, और अब देखें इतना बड़ा हादसा हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही तो पता चला था कि नन्ना मेहमान आने वाला है घर में, लेकिन अब अल्लाह ताला बस खैर करे इस घर की, सलामत रखे इस घर को। बुशरा जाओ और अम्मा जी के लिए पानी लेकर आओ और थोड़ी देर के लिए इनके कमरे में ले जाओ, आराम कर ले। अजहर, अजहर मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तो तुम्हारे सामने डॉक्टर ने कहा कि उसे रूम में शिफ्ट कर रहे। देखो खुद को संभालो, अभिया तुमको इस तरह रोता हुआ देखेगी तो उसकी क्या हालत होगी। कितना रोका था अभिया को, कितना समझाया था उसे। अगर जैन ने मुझ पर हाथ उठा भी लिया था तो कौन सी कयामत आ गई थी। कयामत ही आई थी, लेकिन उससे भी बड़ी कयामत अब आएगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? वैसे इतना परेशान है, अल्लाह से दुआ करो कि अभिया खैर खैरियत से अपनी खुशियों के साथ वापस आए। हॉस्पिटल में कोई फोन भी नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पे। तुम दोबारा ट्राई करो ना अम्मी को। ईशान का फोन है। हेलो ईशान। हाँ बेटा। हेलो अम्मी, अम्मी अबीहा कैसी है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? आप लोग कब तक घर आएंगे? नहीं नहीं,
अभी है बिल्कुल ठीक है बेटा वो, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया। ईशान क्या हुआ? ईशान बताओ ना यार, क्या हुआ, क्या बोल रही? ईशान अम्मी क्या कह रही है बताओ। कितनी खुश थी अभी आपने बेबी के लिए। बस मेरा बच्चा, बस हौसला करो, हौसला करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह रहम करे, पहले तैमूर के साथ यह हादसा हुआ और अब हमारी बच्ची के साथ। अम्मा जी आप दुआ करें कि आगे आगे सब ठीक रहे, अल्लाह बस खैरियत से रखे सब। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को अपने जमान में रखे। बस ईशान बेटा खुद को संभालो, मत रो इतना। जैन बेटा ईशान को बाहर ले जाओ, उसको तसल्ली दो, थोड़ा चुप करवाओ। ईशान आयजा और नायाब की भी हालत बहुत खराब है, तीनों बहनों में बहुत ज्यादा प्यार है माशाल्लाह से। जब तक वो माँ बाप से या अबीहा से नहीं मिल लेंगी ना, उनको तसल्ली नहीं होगी। अम्मा जी आप प्लीज अपने कमरे में जाके कुछ देर आराम कर लें, वो सब आते ही होंगे। नहीं, इस वक्त आराम नहीं कर सकते। जब तक हम अपनी बच्ची को अपनी आंखों से नहीं देख लें, हमें चैन नहीं आएगा। बस बहुत थक गया हूं, अब जाके थक हार के सो जाओ, बस बहुत हो गया। कैसे सो जाऊं, मेरा बच्चा इतना परेशान है, हालत देखी आपने उसकी, मुझे कैसे सुकून की नींद आ सकती है। कितना अफसोस की बात है, रजा ने नायाब के दिल में अपनी जगह बनाई, इतना पैसा खर्च हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एक सेकंड में बुढ़िया ने बाहर निकाल दिया, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल तारीख कर दिया, सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मेरे बच्चे की खुशियां था कि बुढ़िया मनहूस डायन, लेकिन मेरे दिल से भी बद्दुआएं निकलेंगी झोलियां भर भर के। खुदा करे इसको जिंदगी नसीब ना हो, कभी खुशी नसीब ना हो, कभी मर जाए, जान छूट जाए इस बुढ़िया नसीब से। या अल्लाह इसको उठा ले, इस बुढ़िया को, मेरी भी बद्दुआ है। कल ही मौत की खबर आए, या अल्लाह इस बुढ़िया की कल ही मौत की खबर आए, बस मेरे बच्चे की खुशियां छीनी इस बुढ़िया ने, कतरा रहे इस बुढ़िया का। आमीन आमीन। एक एक बद्दुआ लगेगी उसे, देखना तो सही। देखो हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। तुम देखना कुछ दिनों में अबीहा और तैमूर मूव ऑन कर जाएंगे, उनकी जिंदगी में बहुत खुशियां आएंगी। बहुत सो रही होगी अबीहा, बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। हाँ तो अबीहा से मिलवाने भी ले जाऊंगा मैं तुम्हें, तुम फिक्र नहीं करो, लेकिन अभी तो खुद को संभालो। ये अभी तक रो रही है मॉम? मॉम मैं तो यही समझा रहा हूँ कब से ईशान को। ईशान क्या हो गया, तुम प्लीज रोना बंद कर दो, तुम्हारे घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अरे बच्चे कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी बहन को, सही है वो, अल्लाह ने अगर एक खुशी देके वापस ले ली थी तो कोई बात नहीं बेटे, दोबारा देगा वो। मुझे नहीं अच्छी लगती है ऐसी लड़कियां जो बात बात पे रोना पीटना मचा देती है बेटे। Thank you.
पता नहीं वो अब कब तक उसे रखेंगे या डिस्चार्ज करेंगे। हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे जैन? सुबह ऑफिस है, इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं। मॉम मॉम आप परेशान मत हो, मैं बात कर ले तो। विशाल तुम अभी जाओ अपनी दादी के पास, उन्हें जाकर बताओ कि हम लोग भी यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते और तुम भी हमारे साथ जाओ। कम से कम अम्मी अब्बू के आने तक तो रुक जाए। तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम होगा बेटे कि तुम बैठ के इंतजार करो? हमारे पास नहीं है। तो प्लीज आप लोग चले जाए, मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। रुक जाओ, इसे समझा देना ठीक से, कोई उल्टी सीधी बात ना करे। जी मॉम। इंशाल्लाह आई एम रियली सॉरी, मैंने जो तुम पर हाथ उठाया था वो अनजाने में उठाया था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम प्लीज अपने घर वालों के सामने इस बात का जिक्र मत करो, मैं बहुत ज्यादा एम्बैरस हो जाऊंगा। प्लीज मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। आई प्रोमिस, प्लीज। बहू बेगम कैसी हमारी बच्ची? अम्मी अभिया कैसी है? उसे डिस्चार्ज कर दिया क्या? अम्मी प्लीज अभिया के पास ले जाएं हमें, हमें बहुत टेंशन हो रही है। वो ठीक है, डिस्चार्ज कर दिया हमने। क्यों उसे डिस्चार्ज कर दिया तो वो यहाँ क्यों नहीं आई? हाँ बच्ची हमारे पास क्यों नहीं आई? मैंने तो बहुत कहा, तैमूर भी मान गया था लेकिन खुद कह रही थी कि मैं अपने घर जाऊंगी। कितना बड़ा सदमा उठाएगी हमारी बच्ची। बस अम्मा दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे हिम्मत दे कि ये सदमा बर्दाश्त कर सके। अल्लाह पाक उसे इतना बड़ा सदमा सहारने की तौफीक दे पाक परवरदिगार। दिल घबरा रहा, जब तक अपनी निगाहों से बच्ची को नहीं देख लेंगे हमें चैन नहीं आएगा। दलिया बना लो और एक ग्लास दूध नीम गरम कर देना, तैमूर कुछ ना कुछ करके खिला पिला देगा अभिया को। ठीक है बेगम सभी। सुने मुझे तो सबर ही नहीं आ रहा, क्या कुछ सोचा था हमने अपने पोते पोती के लिए, ये सब क्या हो गया? हौसला करो सर, तुम हिम्मत कर लोगे तो अभिया को तैमूर को संभाल लोगे। मेरा तैमूर बहुत हिम्मत वाला है, बहुत अच्छे से संभाला है उसने अभिया को। सिर्फ ये सोचे कि अगर जो मुझे फायर लगा था अगर मेरे दिल के आर पार हो जाता तो क्या होता? मेरी कैसी बातें कर रहे हैं तैमूर? मेरी बात का जवाब तो, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। इसी तरह अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। खुदा का शुक्र अदा करो उसने हमें जिस आजमाइश में डाला है वो कम से कम बर्दाश्त तो कर सकते हैं ना, और हम है ना एक दूसरे के लिए। खुदा अपने बंदों को उनकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। चेयर अप, मर्जी तो नहीं थी कि उसे वहां छोड़ूं लेकिन ला भी नहीं सकी। तुमने समझा दिया है ना उसे ठीक से? जी मां। याद रखना जैन, अगर उसने कोई उल्टी सीधी बात की ना वहां हमारे मुतालिक तो उसका सिर्फ एक मतलब होगा कि तुमने उसे ठीक से कंट्रोल नहीं किया। नहीं मां ऐसा नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए, मैंने उसे अच्छे से समझा दिया था वो वहां पर हमारी कोई बात नहीं करेगी। अगर आप इजाजत दें तो कल सुबह जल्दी उसे ले आऊं।
मेरी वजह से बेचारी अबिया को इतना बड़ा दुख झेलना पड़ा। तैमूर भाई जरूर उससे पूछेंगे कि इतनी तेजी से क्यों निकली थी वो बाहर, और अगर उसने सच बता दिया तो क्या करूं। सो गई होगी अब तो, सुबह उठते ही उसके पास चली जाऊंगी, मौका मिलते ही मना भी कर दूंगी उसको। शुक्र है कि तुमने मेरा फोन उठाया। कहाँ थे तुम? तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीऊँ या मरूँ? रसा तुम क्यों इस तरह की बातें करके मुझे परेशान कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं अभी छत पे था, आखिरी बार नीचे आया था तुम्हारे मैसेजेस पढ़ने के लिए, वो तो तुम्हारी कॉल आ गई, वरना भी पता नहीं क्या हो जाता। रसा प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान ना करो। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है? खैरियत नहीं है रजा। क्या हो गया? वो अबिया, हम सब बातें कर रहे थे और अचानक से अबिया को अम्मी के पास जाना पड़ा तो उसका पांव फिसल गया। उसको सब हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में जाके पता चला कि उसके साथ में सैप हो गया। नायाब, नायाब, लिसन टू मी, तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा, तुम्हें अबिया को भी तो संभालना है। यू नीड टू बी स्ट्रांग राइट नाउ। I know it's really difficult, लेकिन please try to relax. मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। बल्कि तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, सुबह बात करें। ऐसा? दादी की उस बात से तुम्हारी फैमिली कितना हर्ट हुई होगी ना। अरे भूल जाओ वो सब, वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें, रो रो के तुमने अपनी आंखें सुजा दी होंगी। प्लीज डू मी अ फेवर और थोड़ी देर के लिए सो जाओ, रिलैक्स करो, हम सुबह बात करेंगे। अच्छा, अब लिसन टू मी, कोई टेंशन वाली बातें मत सोचना, ठीक है? हमारे बारे में सोचना, हमारी मोहब्बत के बारे में सोचना। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही देगा। बल्कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम किसी ना किसी तरह अंकल और आंटी को मना ही लोगी और हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। चलो अब सो जाओ, सुबह बात करता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखो, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।